हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मेरा नाम है आयुष तोमर और ये है मेरठ पौरी हाईवे NH 119 का दूसरा पार्ट। इस पार्ट में हम कवर करने जाएंगे इंचोली से लेके छोटे मौने तक का पूरा एरिया, और बीच में जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो सब आपको दिखाएंगे। और जो इसका पहला पार्ट था, पिछला पार्ट था, उसमें हमने कवर किया था राजपुरा से लेके इंचोली तक का पूरा एरिया। वो पार्ट आप जाके देख सकते हैं मेरा चैनल विजिट करके, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आप में से कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इसकी एक प्लेलिस्ट तैयार की जाए नेशनल हाईवे की, तो प्लेलिस्ट तैयार है, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का भी। तो उसमें आपको अब तक के मेरे जितने भी ब्लॉग हैं नेशनल हाईवे को लेकर वो सारे हैं, आपको पूरा चेंज देखने को मिलेगा। जब यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ था पहली बार, जब यहाँ पे मशीनें पेड़ वेड़ काटने स्टार्ट हुए, तो आप वो चीज़ देखोगे कि यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं था उस टाइम पे जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किए थे नेशनल हाईवे को लेकर। तो आप वो पूरा सफ़र देख सकते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे चेंज आया है। ओके, और गाइस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं अपने चैनल पे जो लोग देखते हैं, वीडियोस इंजॉय करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। सिर्फ 5% ऐसे लोग अपने चैनल पे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है, और 95% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया अभी तक। सो गाइस ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल अभी आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग तो करने के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग अभी भी वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। गाइस कर लीजिए, फिर ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मैं भी आज रुका रहूँगा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते। कर लीजिए, नहीं कर रहे अभी भी, करो यार, मजाक नहीं, बिल्कुल सीरियस, आज सब्सक्राइब करवा के ही आगे बढ़ेंगे। ओके, कुछ लोग अभी भी नहीं करने के मालूम है, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम कर लेना। अगर व्लॉग अच्छे लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो ओवर होने के बाद कर लेना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे का सफर। इंचोली पार करने के बाद हमें यहाँ पे डाइवर्जन तो देखने को मिल गया छोटा सा, लेकिन ये सिर्फ डाइवर्जन रोड को, मतलब ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए है। फ्लाईओवर वगैरह का कोई यहाँ पे प्लान नज़र नहीं आ रहा मुझे इंचोली पार करने के बाद भी। सिर्फ लास्ट फ्लाईओवर जो हमने देखा था वो सैनी में ही देखा था, और यहाँ पे एक साइड तैयार हो चुकी है ये भी। अभी हम मसूरी की ओर बढ़ते हैं, मसूरी बना और छोटा मामाना कवर तक करके आते हैं। तो गाइस अभी हम हैं मसूरी के काफ़ी ज़्यादा पास, इंचोली पार कर लिया, और ये जो फ्लाईओवर है जहाँ पे हम अभी आए हुए हैं, ये अपना चौथा फ्लाईओवर है सैनी के बाद, ये चौथा फ्लाईओवर है। लास्ट फ्लाईओवर हमने सैनी में ही देखा था, सैनी के बाद इंचोली में कोई फ्लाईओवर नहीं है, और मसूरी के आसपास सिर्फ ये है फ्लाईओवर। काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ये फ्लाईओवर देखने में लग रहा है, क्योंकि बहुत सारा हम सफ़र तय करके आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी लेंथ अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत लंबा फ्लाईओवर है, और बीच में एक भी अंडर पास नहीं है। इसके अंडर पास जो है अब जाके आया है यहाँ पे, और आगे भी इसको उतारने के लिए थोड़ा सा और लंबा करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग मुझे लग रहा है यहाँ पे आसपास का सबसे लॉन्ग फ्लाईओवर ये होने वाला है। और अभी मसूरी में पहुँचते हैं, मसूरी के आसपास देखते हैं, क्योंकि मसूरी में जो है गाइस जो मसूरी का मेन रास्ता है वहाँ पे हाईवे नहीं बनाया गया, वहाँ से अंदर की साइड जो खेतों की साइड है, अंदर की साइड से हाईवे को पास किया गया है। आगे आपको हम कट दिखाएंगे जहाँ से ये अंदर की साइड जाएगा और बाहर की साइड निकलेगा मसूरी पार करके। तो गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमें वो कट नज़र आया था जहाँ से मसूरी को बचाया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं खेतों की साइड अंदर की ओर हाईवे बनाया जा रहा है। और एक थोड़ा जूम इन करके दिखाते हैं, वहाँ पे हाईवे का काम चल रहा है, और सामने लगभग 500 मीटर की दूरी पे ही अपना मसूरी आ जाएगा जो मेन रोड है। आगे चलते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ से पूरा का पूरा ऐसे ही है जैसे पहले था। पेड़ वगैरह यहाँ पर कुछ भी कट नहीं किए गए, दोनों साइड आप देख सकते हैं बहुत सारे पेड़ हैं। Thank you.
ओके गाइस, तो ये है वो पॉइंट जहाँ पे मसूरी पार करने के बाद ये अपना फ्लाईओवर खेतों के से बाहर आता है और यहाँ पे जॉइंट हो जाता है फिर से। इधर से फ्लाईओवर बाहर आ रहा है और आपने अभी पीछे देखा होगा पूरा जो मसूरी का नज़ारा किस तरह से, ना तो पेड़ कट हुए, कुछ भी नहीं हुआ इस रोड पे, ऐसे का ऐसे है। लगभग एक पूरा 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है जो मतलब पूरा ऐसे छोड़ दिया गया है और पूरा इसको कवर करने के लिए पूरा खेतों की ज़मीन पे हाईवे बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी अंडरपास वगैरह देखने को मिलेगा क्योंकि क्रॉस वगैरह है दोनों साइड से, जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होता है अंदर, कुछ अंदर मसूरी की साइड जाएंगे अंदर की साइड, कुछ फ्लाईओवर से डायरेक्ट जाना पसंद करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे ट्रैफिक डाइवर्जन है। गाइज अभी जस्ट अभी हम बना गांव पार करके आए हैं और यहाँ पे एक नहर कह सकते हैं, छोटी सी धारा निकलती है तो उसके लिए छोटा सा वो बनाया गया है सेटअप यहाँ पे। और यहाँ पे साइड में कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है, ये ट्रक वगैरह काम कर रहा है, यहाँ पे कंक्रीट वगैरह बिछाया जा रहा है। आगे नंगली गाँव आ जाता है अपना और उसके बाद छोटा मवाना सामने ही है और 500 मीटर आगे बढ़ते थोड़ा सा कवर करके आते हैं। और ओके गाइस, यहाँ पे आप ओवरऑल नज़ारा देख सकते हैं फ्यूचर का कि किस तरह से हाईवे का लुक थोड़ा सा आएगा। तो यहाँ पे दोनों साइड तैयार हो चुकी है, हालांकि उधर की साइड में नाला बन के तैयार हो चुका थोड़ा सा, इधर अभी बनना बाकी है और बहुत सी अभी मतलब रोड तैयार हो चुकी है पूरी अच्छी तरह से बन के, दोनों साइड चल भी रही है, बस गाड़ी आ रही है कोई जा रही है, पता नहीं चल रहा कौन सी आने की साइड है कौन सी जाने की साइड है, दोनों की साइड मतलब यूज़ हो रही है अभी। एक ही साइड में कुछ गाड़ी आ भी रही है कुछ जा भी रही है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है अभी भी। ओके गाइज, फाइनली बहुत लंबा सफ़र तय करके हम उस प्लेस पर आ गए हैं जहाँ पे हमने लास्ट टाइम शूट किया था, यहाँ तक हमने एंड किया था, लेकिन आज हम यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। ये पीछे अपना वही भट्टा आ गया जहाँ तक हमने लास्ट टाइम शूट किया था, आगे छोटे मवाना का डाइवर्जन वगैरह आ जाता, आज हम वो भी कवर करने जा रहे हैं, वो भी ज़रूरी है। आज आए तो बस टाइम से आ गए थे वरना फिर भी हमें लेट हो जाता है, अभी भी नाइट होने वाली है, अंधेरा होने लगा क्योंकि सर्दी आती जा रही है, धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा है। टाइम से निकला था मैं घर से, 4 बजे निकल गया था पूरे, फिर भी बहुत टाइम लग जाता कवर करने में पूरा एरिया, रुक के बीच बीच में आपसे हर सारी जो है ना लेटेस्ट अपडेट जो भी हो रही है वो सब आपको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है कहाँ कहाँ पे किस तरह से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो लुक आ रहा है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आ रहा है, कार वगैरह जा रही हैं अपने अपने रास्ते, यहाँ पे सर्विस लाइन वगैरह भी है, मतलब यहाँ से पूरा लुक देख सकते हैं आप हाईवे किस तरह से होगा। ये सर्विस लाइन होगी, ये अपना हाईवे हो गया, उधर की साइड दूसरा पार्ट है हाईवे का और उधर की साइड फिर एक और सर्विस लाइन बनेगी, तो पूरा एक लुक यहाँ से देखने को मिल सकता है, हमारा पूरा फ्यूचर का जो अंदाज़ा लग सकता है कि किस तरह से गांव वगैरह में सर्विस लाइन वगैरह किस तरह की होगी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और कवर करके आ ही जाते हैं। ओके गाइज, दिस इज़ द प्लेस जिसका मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि मैं इस प्लेस को कवर करूं, आखिरकार यहां पे आने का मौका मिल गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर होने लेकिन दूर पड़ता है अपने जो बक्सर से, ये छोटे मवाना का मोड़ पे हम आ चुके हैं तो इस मोड़ को कवर करते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहां पे फैला हुआ है, कोई इधर से फ्लाईओवर आ रहा है, एक इधर जाएगा कोई उधर जा रहा है, तो पूरा कवर करते हैं, बैक कैमरा ऑन करते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और खुश हो रहा हूँ कि चलो यहां पे आने का मौका मिला, क्योंकि अब तक जितने भी मैंने व्लॉग्स वगैरह किए आज तक मैं यहां पे नहीं आया हूं, लगभग मेरे 15-20 लोग हो चुके हैं नेशनल हाईवे को लेकर, ये पहला भी लोग है जो इस प्लेस पे मैं शूट कर रहा हूँ। ठीक है, बैक कैमरा ऑन करके पूरा एरिया, पूरी जो प्लेस है, पूरी जो साइट है पूरी कवर करेंगे। ओके, जिधर से ट्रैक्टर आया है उधर की साइड से हम वापसी आए हैं और ये फ्लाईओवर देखने को मिलता है हमें, इसके नीचे से अंडरपास मिल जाता है छोटे मवाना की ओर, इधर की साइड ये छोटे मवाना की ओर चला जाता है, ये पूरा सीधा जो हाईवे अपना बिजनौर की ओर आगे बढ़ेगा सीधा। और एक पहले जो पुराना डाइवर्जन था कुछ इस तरह से होता था, ये तो पहले भी था इतना, ये वाला जो माइनस वाला कट है ये पहले भी था, और एक कट या ये होया करता था यहाँ से, पहले हम ये वाला कट यूज़ करते थे आने जाने के लिए, लेकिन अब फ्लाईओवर बन जाएगा एक डायरेक्ट हो जाएगा, कुछ नीचे से आ सकते हैं कुछ नीचे ऊपर से जा सकते हैं। तो ये है पूरी साइट अपनी,
ओके गाइज, आई होप हमारा सफ़र यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। एक 360 डिग्री व्यू कवर करते हैं यहाँ का। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वीडियोज़ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत कम लोग हैं जो मतलब सब्सक्राइब करे हुए हैं और वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, ज़्यादातर लोग अनसब्सक्राइब किए हुए हैं जो ज़्यादातर वीडियोज़ देखते हैं अपनी। ओके, आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा है, आने वाले टाइम में पता नहीं यहाँ पे आपको कितना अच्छा लुक देखने को मिलेगा यहाँ पे। अभी तो सिर्फ मिट्टी और पिलर्स सरिये वगैरह नज़र आ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हम यहाँ पर आएंगे जब ये तैयार हो रहा होगा। धीरे धीरे वो सफ़र भी दिखाएंगे आपको, और जब पूरा तैयार हो जाएगा वो भी दिखाएंगे कि तैयार होने के बाद यहाँ का लुक किस तरह का आ रहा है। ओके, चलते हैं घर वापसी।